Good evening, everybody. Good evening. Thanks to Dr. Sir and Mr. K. Suryakant Sir. He has explained very nicely on the topic of four pillars of successful management. I think everybody has explained very nicely physical, intellectual, and that four pillars. In simple way, keep our life partner happy. Like, do ways se jaungi, do example dungi. For current, my life partner is my hubby. I know अगर मैं उनको खुश रखूंगी तो इन रिटर्न मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है. अगर मैं खुश रखूंगी उनको, उनके सुख पे सुख, दुख पे दुख, इमोशनली अटैच जो भी है, तो मुझे इन रिटर्न, इन सडनली अनएक्सपेक्टेडली एवरीथिंग आई विल गेन एवरीथिंग. सेम थिंग इज दैट इफ विल कीप अवर बॉडी हेल्दी हैप्पी, बी पॉजिटिवली, कीप अवर निगेटिव थिंग, बी एम्बिशियस, यस डेफिनेटली विल अचीव अवर डिसाइडेड टारगेट विद द हेल्प ऑफ दिस फोर पिलर्स. Thank you, everyone. Thanks to Dr. Jawad sir and K. Suryakant sir. He today is training you of four pillars of success management. This means physical equipment पे है जो कि हमें आज तक पता था कि जो है कि life partner मतलब कि जो है कि हमारी wife और जो है हमारे husband अरे sorry हमारे जो मतलब कि mother fathers my colleagues. लेकिन के सूर्यकांत सर ने आज बताया कि हमारी बॉडी जो है हमारी लाइफ पार्टनर है और हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो हमारी लाइफ पार्टनर को मेंटेन रखना पड़ेगा. अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मेंटेन रखेंगे तभी हम कोई चीज अचीव कर पाएंगे. तो इसीलिए आज की जो सेशन है, आज मैं अपने लाइफ पार्टनर कम से कम मैं अपने वर्क जो मैं काम करता हूँ उसमें 1 आवर जो है मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए निकालूंगा और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज जो भी है वो मैं करूंगा और आगे बढ़ूंगा. जो आज का सेशन था फोर पिलर ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था. और थैंक्स टू डॉक्टर सेवर सर जिन्होंने ये हमको अपॉर्चुनिटी दी. सेकंड सूर्यकांत सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर किया हमें हमारे लिए जो कि इमोशनल का भी एक अच्छा सब्जेक्ट लिया उन्होंने. इमोशनल चाहिए अपने लाइफ में, जो कि अपने कलीग जो होते हैं उनके साथ में टच कैसा होना चाहिए, इमोशनल टच कैसा रहना चाहिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा इमोशनल से पता चलता है आप लोगों को सबको कि भाई इसके या तो वो आता है जब सामने है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, सब संभालना जरूरी होता है, सब इन्वॉल्व होना जरूरी होता है. ना कि आप कुछ ऐसा उन्होंने ये भी बोला कुछ ऐसा फाइनेंशियल कुछ हेल्प करना है, आप 2 शब्द अच्छे बोलते हैं उसके बारे में भाई कैसा है क्या है कितने फैमिली कैसी है क्या है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस बारे में. और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी आता है तो हाय हेलो करने से कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है. इमोशनल टच आप वर्कर के साथ, हेल्पर के साथ, या तो आपके कलीग के साथ, जूनियर के साथ भी रखो कि आपको बहुत से फायदे होंगे, आपका काम इजी हो जाएगा. और ये सब कंटिन्यू प्रोसेस है और इंटेलिजेंट चाहिए आप. जब तक आप इंटेलिजेंट रहेंगे तो आगे फ्यूचर में भी इनकम, जैसे सूर्यकांत सर ने बताया आप लोगों कि आपको इम्प्रूवमेंट ईच एंड एवरी स्टेप आपको इम्प्रूव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आप वहां पे रह जाएंगे. तो सबसे यही आज सीखे सब लोग और अच्छा रहे सर. थैंक यू. एज वी हैव सीन और एज वी हैव लर्न दिस ट्रेनिंग दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर रेगुलर लाइफ. I will just give you that my example, self example, that I am doing the exercise, but I am gathering or I am using the examples that today is rainy, I will not exercise, I will not walk, and due to that laziness I waste my time. So from today again I have decided that regularly I have to do the things that in the evening I have to do some exercise and in the morning I have to do the morning walk. That will be helpful for me, and when I will be healthy then good thoughts or good ideas will be available in my mind and I will do my work positively and more positively. Also that will be helpful to myself and also the company. So this training is very essential and important. Thank you all of you. Myself Mr. Praveen Patil, and first I would like to thanks Mr. Zawar sir for arranging such a great training session
from by the K. Surekansar has explained the things very nicely regarding the topic, that is the four pillars of the management. And I think these all four quotients are very important in our life. First, it is a physical quotient. In that, you have to maintain your body. Okay, for that you have to do the regular exercise. You have to eat healthy foods. Yeah? From that you will generate the positive thoughts, which will beneficial for your growth. Okay. The second, that intellectual quotient is also important. In that you have to minimize the errors which you have made earlier. If you kept that in your mind, then you will go on to the continuous improvement process.